हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज साइंस के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, समझिएगा, फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया था। यह मत किसने दिया था बताइए? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया था बताइए। सही जवाब है हक्सले। याद रखिएगा हक्सले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारामेडिकल 2009 में पूछ चुका है, पारामेडिकल 2009 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में, याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है बताइए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 2022 पारामेडिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न आ चुका है बताइए। सही जवाब है सूर्य का प्रकाश, लगातार प्रश्न पूछ रहा है गैप कर करके, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए महाधमाका ऑफर, बिल्कुल बिल्कुल महाधमाका ऑफर आपकी सफलता हमारी पहचान है। पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ। नोट्स की विशेषता, समान ज्ञान विज्ञान गणित, समान हिंदी इंग्लिश, यानी आपको पारामेडिकल के सभी विषय मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में आपको पारामेडिकल के सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। इस नोट्स को लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना होगा, हमारे नोट्स से एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। तो जिनको भी लेना है इस वर्ष सिलेक्शन, तो ले लीजिए नोट्स, क्योंकि पता है ना इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता, इसलिए जल्दी से नोट्स खरीद लीजिए, अपनी सिलेक्शन पक्की करिए। तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए और नोट्स खरीदिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं? क्या लाजवाब प्रश्न है, क्या बेमिसाल प्रश्न है बताइए, क्या प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, बता दो। निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं बैक्टीरिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, लाइक शेयर दबा के करना होगा, लाइक शेयर दबा के करिए। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी बता दीजिए, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, चलिए, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए देर मत करिए, इस वर्ष अपना सिलेक्शन करके ही मानिएगा, झुकना नहीं है बिल्कुल इस वर्ष। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न, एंजाइम किसमें नहीं होते हैं बता दीजिए, एंजाइम किसमें नहीं होते? शैवाल, वायरस, लाइकेन, बैक्टीरिया, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, लगाइए, किसको लॉक करें जल्दी से, एंजाइम किसमें नहीं होते बताइए, एंजाइम किसमें नहीं होते? सही जवाब है ऑप्शन बी, वायरस, वायरस में एंजाइम नहीं होते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिक्स नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया, वह क्या लाजवाब प्रश्न है, पूरा बेमिसाल प्रश्न है भाई, लिख कर रख लो, एकदम वायरल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, पैरामेडिकल वाले नोट्स खरीदो, सिलेक्शन करो और प्रतिदिन क्लास करिए। चलिए जल्दी से सिक्स नंबर को बताइए, देर मत करिए। सही जवाब चार्ल्स डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सेवन नंबर, क्या प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका, बिल्कुल एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न, 2022 पारामेडिकल के छपने वाला प्रश्न आ चुका, जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, पढ़े होंगे बताइए, जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक मात्रा से, कार्बन
यौगिक मात्रा से, याद रखिएगा रेडियो धर्मी, ये पढ़े होंगे आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे हल्का फुल्का, या फिर 12th में तो पढ़े भी किए होंगे बायोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर, मानव का वैज्ञानिक नाम। वाह क्या प्रश्न है, ये कितने बार पूछ चुका है पैरामेडिकल वाले, बायोलॉजी का एकदम झकास सीरीज चल रहा है। बायोलॉजी पढ़ने में कितना मजा आता है, बिल्कुल बिल्कुल एक्स वाई लगा लगा के पढ़ने में मजा आता है बिल्कुल। तो मानव का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। 8 का सही जवाब ऑप्शन बी, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, बहुत अच्छा वेरी गुड, ऐसे ही तबाही मचा देना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यता होती है, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, ऑटोसोम, कोई नहीं, बताइए। मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यता होती है, बता दो। हमें कहां मालूम था कि इसका होता क्या है, बस एक तुम्हें मिले और इसका हो गया है ना, चलिए बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, सही जवाब, चलिए रमेश कुमार, सोनू कुमार, बहुत अच्छा वेरी गुड, पूजा कुमारी, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। यूट्यूब पर डाला जाएगा, एकदम बिल्कुल तबाही मचा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बेड क्लास स्टूडेंट, मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुक्ता होती है, बहुत अच्छा वेरी गुड, 9 का बी, वाई गुणसूत्र से, वाई गुणसूत्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 10 नंबर प्रश्न, समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, चलिए मेरे रसगुल्ले बता दो, समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, कब समान बच्चवा जुड़वा पैदा होता है भाई, बता दो। बायोलॉजी पढ़े हो ना, दवा के बायोलॉजी पढ़े हो 12th क्लास में, है ना, लड़की लोग तो कुछ ज्यादा ही पढ़ती है बायोलॉजी, बताइए। 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल एक निषेचित अंडे का दो खंडों में विभाजन हो तथा दोनों भाग क्या हो, दोनों भाग अलग हो जाए, दोनों भाग अलग हो जाए, एक निषेचित अंडे का दो खंडों में विभाजन हो तथा दोनों भाग जो उसका रहेगा वो अलग हो जाए, समझ गए ना, कि अब समझा दे बस काफी है। चलिए 11 नंबर प्रश्न, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, यही से प्रश्न छपेगा पैरामेडिकल में, याद रखिएगा यही से प्रश्न छपेगा पैरामेडिकल में, बिल्कुल एकदम रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। चलिए भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, बता दीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बायोलॉजी पढ़ा है ना भाई 12th क्लास में, एकदम इतना आसान आसान प्रश्न आ रहा है, क्या आसान आसान प्रश्न आ रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्या लाजवाब प्रश्न है, वाह वाह क्या प्रश्न है, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, देर मत करिए, जल्दी से नोट्स खरीदिए, देर मत करिए, देर मत करो भाई, जल्दी से नोट्स खरीदो सब, कोशिका सिद्धांत, देखो इधर भी बोल दिया डाय, मतलब नोट्स खरीदो। चलिए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बहुत अच्छा वेरी गुड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, एक दो दिन की खामोशी है फिर मोटिवेशनल चैनल की तैयारी है, बिल्कुल भाई एक से दो दिन इंतजार करिए, महातबाही आ सकती है, बिल्कुल महातबाही आ सकती है। तो चलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया चैनल राठौर स्टडी पॉइंट को मोटिवेशनल चैनल करने जा रहे हम, और 10वीं क्लास का एक नया चैनल बनेगा एकदम नया। चलिए 13 नंबर प्रश्न, 10th का भी सब बैच बंद है, सब क्लास बंद है, सब पेड़ बंद है, सब नोट्स बंद है, 10th वाले अभी कोई इंक्वायरी नहीं, अभी तबाही मचाएंगे थोड़े दिन के बाद। चलिए 13 नंबर प्रश्न, अगर हिम्मत है तो आओ मुकाबला इसके करें, हारे तो आप हमारे और जीते तो हम तुम्हारे, बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न, हर गोविंद खुराना को किस खोज के लिए, नोट्स लेना है बाबू, 99 रुपया पैरामेडिकल 99, देर मत करिए नोट्स खरीदते चलिए, 99 रुपया पेमेंट करके नोट्स खरीद के अपना सिलेक्शन की गारंटी करवानी है। तो चलिए हर गोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, सही जवाब ऑप्शन ए, आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न, क्या लाजवाब प्रश्न है, वाह क्या बात है, क्या बात है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से, आहाहा क्या प्रश्न है भाई, पढ़ने में भी मजा आ रहा है, निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग या गायमी मेनेसेंस ज्वर उत्पन्न करता है, सीधा मतलब है ज्वर
ज्वर उत्पन्न करने वाला बता दीजिए, ज्वर उत्पन्न कौन करता है? सही जवाब है ये ट्रिप्रोनोसोमा। याद रखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना है, अगर नहीं जुड़े हैं तो फिर व्हाट्सएप करके जुड़ जाना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है, क्या प्रश्न है? चलिए पेमेंट भी आ गया, आप लोग भी नोट्स लेने में कोई देरी नहीं करिएगा, बिल्कुल तबाही कर देना इस वर्ष। सिलेक्शन चाहिए तो नोट्स खरीदो, सिलेक्शन मतलब नोट्स, सिलेक्शन करना है तो नोट्स खरीदिए, पढ़ाई करिए, सिलेक्शन की पूरी गारंटी। चलिए, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है, बता दीजिए, अनुपस्थिति में भिन्न होती है। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है, वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए सेंट्रियोलोस तारक केंद्रों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, 16 एक गाना सुना देंगे, बिल्कुल। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, अरे गैस 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 गैस, बिल्कुल गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी नीला क्षेत्र, यानी ब्लू जोन, ब्लू जोन, ब्लू जोन, ब्लू जोन। चलिए ठीक है, मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, चलिए 17 है, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि, बताइए, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। किसके लवण होते हैं भाई? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है, बताइए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। चलिए भौतिक और रासायनिक गुण, तो आप भौतिक गुण रासायनिक गुण 10th में पढ़े होंगे, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया, बस वही प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा। यह बहुत बेमिसाल प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई पारा मेडिकल में एकदम छपने वाला प्रश्न लेकर आए आज हम। आज का क्लास छोड़ दिया मतलब जिंदगी खराब है। चलिए 19 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, जल्दी से बता दो भाई, आज का क्लास पूरा पारा मेडिकल में छपने वाला प्रश्न। चलिए आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, बहुत अच्छा प्रश्न, ऑप्शन सी 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 20 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों की संख्या, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों की संख्या बता दीजिए, बता दीजिए। पारा मेडिकल में अपना सिलेक्शन करिए, चलिए इस वर्ष अपना सिलेक्शन फिक्स करिए। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। चलिए 21 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की। चलिए देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर हां एक एक दिन की मेहनत से एक दिन सफलता जरूर मिलती है, इसलिए प्रतिदिन लगे रहिए, लगे रहिए मुन्ना भाई, लगे रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन सफलता आप लोगों को भी जरूर मिलेगी। चलिए जल्दी से, पारा मेडिकल में एकदम सिलेक्शन इस वर्ष होगा। 21 आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, बहुत अच्छा प्रश्न, ये तो कब्बे से पढ़ रहे हैं आप लोग, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न आ चुका है, नोमेरिकल भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, नोमेरिकल इज द फास्टिंग। चलिए, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है, क्या प्रश्न है? चलिए, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है, सही जवाब ऑप्शन बी निनहाइड्रिन विलयन द्वारा, निनहाइड्रिन विलयन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23,
23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए धमाका ऑफर चल रहा है, जिनको लेना है सिलेक्शन, इस वर्ष अपना सिलेक्शन पूरा कर लेना है, अब इंतजार नहीं हो रहा, तो लीजिए हमारा नोट्स और करिए अपना सिलेक्शन पूरी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जिनको लेना रहेगा व्हाट्सअप कर लेंगे, नोट्स खरीद लेंगे, अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, बाकी नोट्स खरीद लेंगे। चलिए तो 23 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचाने वाले अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है, बताइए मानव शरीर की शक्तियों को हानि ना पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है, वाह वाह क्या बात है, 0.9%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को एकदम याद रखो, पारा मेडिकल में छपने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 है, चलिए रिसर्पिन नामक दवा निम्नलिखित में उपचार में काम आता है, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो, कोई मिला या कहीं दिल लगा लिए हो। चलिए 24 है, रिसर्पिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आता है, सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च रक्त दाब घटना के काम आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार पारा मेडिकल क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, किससे जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, आज टेस्ट भी होगा भाई, रात को आज टेस्ट भी है। चलिए 25 मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, मेंडलिफ ये तो 10th क्लास में ही पढ़े हो भाई, मेंडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए हम लोगों ने आज 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का लगाया है, जो आपके परीक्षा के लिए रामबन क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड करके बढ़िया से एकदम रट्टा मार लेना, याद कर लेना, समझदार लोग समझ लेना, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।